Let's do question number 14th of exercise 2C, that is fraction. Question number 14th is, a bucket contains 20 whole 1 upon 4 liter of water. A small jug has a capacity of 3 4 liter. How many times the jugs has to be filled with water from the bucket to get it complete? Friends, एक bucket में पानी है 20 whole 1 upon 4 liter जिसमें water है और एक jug है जिसकी capacity है 3 upon 4 liter. तो कितने jug हमें पानी के भरने पड़ेंगे कि वो बकेट फुल हो जाए, सॉरी कितने जग हमें पानी के भरने पड़ेंगे कि दैट बकेट विल गेट एम्प्टी, राइट फ्रेंड्स? तो हमें पता है टोटल वाटर इन अ बकेट कितना है हमारा, दैट इज 20 होल 1 अपॉन 4 लीटर्स है, राइट फ्रेंड्स? एंड capacity of jug कितनी है, 3-4 liter है, right friends? तो हमें क्या निकालने है, number of jugs निकालने है कि वो empty हो जाए bucket. तो कितना होगा total bucket water divided by capacity of वन जग, राइट फ्रेंड्स? तो कितनी थी टोटल बकेट की, 20 होल 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, तो ये कितना आ गया 81 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, तो ये कितना आ गया 81 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3, कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, दैट मींस 24 नंबर ऑफ जग्स इक्वल्स टू number of jugs is 227 is the answer. Let's do question number 15th of exercise 2C, that is fraction. Question number 15th is, the product of two number, do number ka product ye hai 15 whole 5 upon 6, if one usme se ek number hai 6 whole 1 upon 3, to dusra kya hai, product of two number is equals to 15 whole 5 upon 6. If one number दे रखा है हमें 6 whole 1 upon 3, तो other number क्या है? तो हमें पता है one number multiplied by second number is equals to product, right? होता है, तो first number क्या है, 6 whole 1 upon 3 into second number, ये आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 15 होल 5 अपॉन 6. अब इसको करें 18 प्लस 1 19 अपॉन 3 इनटू, मैं इसे सेकेंड नंबर ही लिख रही हूँ, इक्वल्स टू 15 6 जा 6 5 जा 30 95 अपॉन 6. अब सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, हमें पता है जब ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डायरेक्टली नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, राइट फ्रेंड्स? तो 3 2 जो 6 एंड 19 5 जो 95, तो ये कितना आ गया 5 अपॉन 2, और वी कैन से दैट 2 2 जो 4 1 अपॉन 2 इज द आंसर. Let's do question number 16th of exercise 2C, that is fraction. Question number 16th is, by what number should itna be multiplied to get 42? Friends, let the number be x, right friends? Ab is number ko 9 4 upon 5 ko x se multiply karenge jisse ki answer 42 aaje. Simple equation. तो अब ये क्या हुआ, 45 प्लस 4 इज 49 अपॉन 5 इनटू x इक्वल्स टू 42, x अपनी जगह रहा, 42 अपनी जगह रहा, 5 नीचे से ऊपर चला गया और 49 ऊपर से नीचे आ गया. अब 7 6 जा 7 7 जा, तो कितना आया 30 अपॉन 7, और वी कैन से दैट 4 होल 7 4 जा 28 प्लस 2 इज 30 अपॉन 7 इज द आंसर. Let's do question number 17th. Question number 17th is, by what number itna be divided to obtain this? So let, isme bhi let kar lenge, let the number be x. So
इस नंबर को, किस नंबर को, 6 होल 2/9 को किस से डिवाइड करें, x से डिवाइड करें कि हमारा नंबर 4 होल 2/3 आ जाए। तो इसको कर लीजिए 9 6 54 55 56/9, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दिया और 1/x कर दिया, राइट फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल कर दिया 12 13 14/3। अब देखिए ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में हो गए, 14 × 9 × x, और 3 इधर आ गया, 56 × 1 नहीं लिख रही हूँ। अब x को अपनी जगह छोड़िए, 56/3 × 3 को अपनी जगह, और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड में आ गए, राइट फ्रेंड्स। नाउ 3 3 ज़ 9, राइट, एंड 14 का टेबल में 14 4 ज़ 56, तो ये कितना आ गया 4/3, और वी कैन से दैट 1 होल 1/3 इज द आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.